राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज हम अडेनियम के पौधे की बात करेंगे। वैसे अडेनियम का मैंने पहली बार ही प्लांट तैयार किया है, तो ये मैं बहुत छोटा सा लाई थी, पर अब मुझे लगता है कि आगे मैं शायद इसके पौधों को बढ़ा पाऊँगी। और जैसे जैसे मैंने इस पौधे को सर्दियों में बचाया है, इसके कोड़क को वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके कोड़क में जो होता है इतना पानी होता है, और इसको अगर ओवर वाटरिंग या पानी लगे बरसात वगैरह में तो ये गल जाता है। अभी देखिए मैं दिखाती हूँ, ये मेरा यहाँ से ख़राब होने लग गया था, क्योंकि मैं इसकी लगातार देखभाल करती रही, तो मैंने देखा दबा दबा करके, जैसे कि वीडियोज़ देख करके मैं देखती थी, तो मैंने इसको यहाँ से चाकू से साफ करके और टर्मरिक हल्दी पाउडर लगा दिया, तो ये सारा बिल्कुल यहाँ से ठीक हो गया। और ये भी देखिए नए नए, मैंने इसको छोटे से डब्बे में मेरे था, मैंने इसको चेंज करके और ऐसे ही नीचे से मिट्टी के जो दीपक है ये टुकड़े लगा करके तब इसको बनाया, तो ये देखिए कितनी प्यारी शेप निकाल के ला रहा है ये। और अभी मैंने डीप कटिंग इसकी यहाँ से की थी, तो इसने यहाँ से कई फुटेड निकाली हैं, और ये देखिए अभी इस पर ये फूल भी आना शुरू हो गया है। तो ये मेन बात है। और दूसरे क्या है, मैंने इसका जहाँ तक देख करके सबकी वीडियो और ये नोट किया कि इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और इसकी जो मिट्टी है कंकरी मिट्टी होनी चाहिए। मैंने इसको बालू है और ये कंकरी है, और थोड़ा सा इसमें मैंने कोकोपीट मिलाया था और जो गोबर की सड़ी हुई खाद उससे मिला के इस मिट्टी को बना गया, और मैंने फिर इसको रिपोर्ट किया था इस छोटे से डिब्बे में। और अब ये देखिए कितना प्यारा पौधा बन के तैयार हो गया है। तो आप भी अगर अडेनियम लगाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले मुझे भी डर लगता था कि ये, क्योंकि एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसी, मैं पौधा लाई थी और वो मेरा बेकार हो गया, तो तब से कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पर ये वाला मैंने पौधा मरनाली से छोटा सा ख़रीदा, और अब ये देखिए कितना स्वस्थ है। बाकी अगर इस पर फंगस का आपको है तो सिर्फ मैं वही आपको हमेशा बताती हूँ कि जो मेरे पास नीम कई पत्तियों को जो मैं पानी में लिक्विड में बना करके रखती हूँ वो इस पर मैंने स्प्रे किया है। और बाकी हल्दी से देखिएगा ना, मैं बताती हूँ कि यहाँ से पूरा गल गया था ये, मैंने इसको निकाल के इसमें करके और पानी डालना बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, रिपेयरिंग हो गया है। तो बहुत छोटी सी जानकारी जितनी मुझे है मैंने आपको दी अडेनियम पे। आप अभी इस नर्सरी से छोटे से प्लांट लाएंगे तो 70 से 100 रुपये का मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं और आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। इसका देखिए प्रोडक्ट कितना प्यारा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मुझे बहुत प्यारी शेप देने का इसका मन है, तो वो मैं कोशिश कर रही थी। देखिए कितना खूबसूरत इसका शेप बन रहा है। जय श्री कृष्णा। कृपया वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं कि ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट है आपको सही लगा क्या, मैंने जो कोडक तैयार किया है। बाकी मैं इसको चेक करती रहती हूँ, क्योंकि इसका कोडक ही गलता है, ये सारा बाकी सब जगह से ठीक है। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके शेयर करें वीडियो को। जय श्री कृष्णा।